नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अलवर में 25 जून से 28 जून तक डॉक्टर शानू यादव के नेतृत्व में की जाएगी बहरोड बचाओ जन जागृति यात्रा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान महिला मोर्चा प्रदेश सह संयोजक प्रशिक्षण डॉक्टर शानू यादव ने आज बहरोड स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि उनके द्वारा बहरोड के रामचंद्रपुरा से बरडोद तक 4 दिवसीय पदयात्रा की जाएगी। डॉक्टर शानू यादव ने पत्रकारों को बताया कि बहरोड में पिछले 4.5 साल में आमजन के बीच भय और आतंक का माहौल बना हुआ है तथा वर्तमान जन प्रतिनिधि ने तानाशाही का रास्ता अपनाते हुए जनता के मुद्दों से भटककर बदलाव की जगह बदले की राजनीति की है। डॉक्टर शानू यादव ने पत्रकार बंधुओं का आभार जताते हुए उनके माध्यम से आमजन से अपील करते हुए कहा कि सब इस यात्रा में मिलकर सहयोग करें तथा खुशहाल बहरोड बनाने में सहयोग करें। जनता की जो बातें हैं, मैंने पहले ही बताया कि सारे मुद्दे जनता के द्वारा ही हम तक पहुंचे हैं। जितने 1.5 साल से मैं जनता के बीच में घूम रही हूं, उनके पास जा रही हूं, तो ये मुद्दे उनके द्वारा ही बताए गए हैं। हाँ, अब ये है कि उन मुद्दों के उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आप अकेले नहीं हो। आज आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपको डर है कि आपने अगर अपने मुद्दे उठाए, आपने कोई बात कही, तो आपके साथ में कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, आपकी बात सुन नहीं पाएंगी। तो उनको ये विश्वास दिलाना है कि मैं और हम सब आज इस लड़ाई में साथ हैं, इस संघर्ष में साथ हैं और हम मिलकर बदलाव लेकर आएंगे। या ये कहें कि आप राजनीति शुरुआत शुरू हो चुकी है, आगाज शुरू हो रहा है, आपकी 5 दिन का जो कार्यक्रम रहेगा। जी, ये 4 दिन का कार्यक्रम है एक्चुअली, 25 से 28। और देखिए, बिल्कुल मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और बिल्कुल मेरी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी पार्टी और मेरे क्षेत्रवासी सबसे आगे हैं। उनके मुद्दों को लेकर, उनके भविष्य के लेकर, उनके विकास के लिए मैं काम कर रही हूँ। और क्या बड़े मुद्दे रहे हैं चुनाव को, जिस तरह आप मैदान में आ रही हैं, क्या क्या मुद्दे हैं विकास के लिए? विकास के लिए देखिए, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है और इन सब मुद्दे जो मैंने आपको भी बताए हैं, बिजली है, पानी है, रोड है, रोजगार है, महिला सुरक्षा है, और ये मुद्दे लेकर ही वर्तमान विधायक ने 4.5 साल पहले ये मुद्दे उठाकर सत्ता में आए थे। लेकिन हम सब भी जानते हैं कि इनमें से कितने काम उनके द्वारा किए गए हैं, कितने वादे पूरे किए गए हैं, कितने काम हुए हैं। बहरोड को जिला बनाने का मुद्दा हमारा इतने सालों से चल रहा है।